नमस्कार दोस्तों, साइंस ऑफ तंत्र के एस्ट्रो स्टॉक मार्केट में मैं राजेश गोस्वामी आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे 7 जनवरी 2021 निफ्टी की। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी, तो इसीलिए आप इसको स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे 90% तक प्रिडिक्शन सही होती हैं, लेकिन 10% गलत भी हो सकती हैं दोस्तों। इसीलिए आप बाज़ार को एनालाइज़ करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर करें हमारे प्रिडिक्शंस को अपने स्टॉक पर इस्तेमाल करने से पहले। आपने देखा पिछले हफ्ते भी हमारी 5-6 प्रिडिक्शंस में से 5 प्रिडिक्शन बिल्कुल सही गई, एक थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी। और आज की प्रिडिक्शन भी आप लोगों ने देखी कि 4 जनवरी सोमवार की हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही गई। कल की प्रिडिक्शन दोस्तों 5 जनवरी मंगलवार की हमने कर रखी है, आप उसको देखो 90% तो दोस्तों कल करेक्शन आना चाहिए, लेकिन किसी वजह से अगर करेक्शन कल नहीं आता है तो हर हाल में बृहस्पतिवार को यानी कि 7 जनवरी को हर हाल में करेक्शन आएगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं अभी मंदी में नहीं हूँ, अभी मैं तेज़ी के ही पक्ष में हूँ, यानी कि और ऊपर का आंकड़ा और नीचे का आंकड़ा भी आप लोगों को दे दिया था कि ऊपर में निफ्टी जो है 14,300 टच करेगी और नीचे में 13,700। और ये भी बता दिया था दोस्तों कि 90% संभावना ये है कि सबसे पहले ऊपर का आंकड़ा टच करेगी। तो अगर किसी वजह से कल ही निफ्टी जो है 14,300 टच कर जाती है तो वीरवार को करेक्शन ज़रूर आएगा दोस्तों। वैसे तो संभावना ये है कि कल करेक्शन आए और उसके बाद जो है दोबारा निफ्टी ऊपर की तरफ चलेगी, पर अगर कल ही 14,300 टच कर लेती है निफ्टी सुबह तो वहाँ से फिर बैक होगी, 100% बैक होना चाहिए दोस्तों। पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें हमारी प्रिडिक्शंस को अपने स्टॉक्स पर इस्तेमाल करने से पहले। तो 7 जनवरी को दोस्तों डाउन की तरफ रहेगी निफ्टी, यानी कि 7 जनवरी को भी करेक्शन नज़र आ रहा है हमारी कैलकुलेशन में। और बाकी 8 जनवरी के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। हमारी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।